सेहत और कामयाबी सिर्फ लक्ष्य तय कर लेने से नहीं मिलती, इसके लिए आपकी रोजमर्रा की आदतों का ठीक होना भी बहुत जरूरी है। और ये तब और जरूरी हो जाता है जब शहर की आबोहवा जहरीली हो गई हो, मौसम सेहत के एतबार से बहुत खराब हो, सेहत बिगाड़ने पर आमादा हो, लाइफस्टाइल की छोटी सी गलती बीमार करने की गारंटी दे रही हो। हुसैन, तब तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट प्लान एंड एग्जीक्यूशन ही जान बचा सकता है। वैसे जोसना, सख्ती के बिना तो काम भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो हवा बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है। अब दिल्ली एनसीआर का हाल तो देख लीजिए, पहले यहाँ पर हवा जानलेवा है और ज्यादातर इलाकों का जो AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर चुका है। श्रुतिका, बिल्कुल, ये हालात देखकर अमित बहुत ज्यादा डर लगता है। दिन के वक्त आप बाहर निकल जाइए तो शाम का एहसास होता है। यमुना नदी के पानी के तो इतने बुरे हाल हैं, लगता है कि छूने मात्र से ही स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। बाहर तो बाहर, घर के अंदर भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है। PGI चंडीगढ़ की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक इनडोर पॉल्यूशन ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। मतलब ये हुआ कि लोग कहीं महफूज है ही नहीं, ना घर ना बाहर। तभी तो आंखों में जलन, इचिंग, सिरदर्द हर कोई महसूस कर रहा है। आप चाहे ऑफिस में हो, बाजार, घर, कहीं पर ही क्यों ना हो, सूखी खांसी तो कॉमन साउंड बन चुकी है। वैसे दिक्कत तो अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ठंड का कॉम्बिनेशन बनते ही सेहतमंद लोगों का ब्लड प्रेशर भी बिगड़ने वाला है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ने वाला है। अमित, बिल्कुल जोसना, क्योंकि प्रदूषित हवा के कण नवी और इसके जरिए आप धीरे धीरे आपके सांसों के अंदर पहुंच जाते हैं, और यही वजह है कि स्ट्रोक और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों के मरीज पिछले 5 साल से 80% ज्यादा बढ़े हैं। वैसे भी भारत में हर साल 18 लाख लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं, और 4 से 5 घंटे के भीतर अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। ऐसे में ये नौबत ना आए इसकी तैयारी तो करनी होगी। घर हो या बाहर, हर जगह की हवा जहरीली हो चुकी है, सर्दी अलग दस्तक दे रही है। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ, और करे तो करे क्या, तो करना है बस योग। चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी। और देखो ये सूर्य नमस्कार तो रोज करना है, मेरे सामने सूर्य उदय भी हो रहा है, बहुत प्यारा सा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये सूर्य नमस्कार, ऐसे 10 बार कम से कम रोज करना। और जो सूर्य नमस्कार 10 बार ना कर सके, सूर्य इधर से पीछे से लेते बावड़े कहीं के, पता नहीं कब कैमरा इनको चलाना आएगा, सारे बावड़े मेरे पल्ले पड़े हुए हैं। लंबे लंबे श्वास तो हो क्या रहा है हुसैन भाई जी, इंसान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है, अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहेगुरु अकाल पुरुष परमात्मा ने ये जीवन दिया, इस जीवन पर पहला अधिकार प्रकृति परमेश्वर का है। व्यक्ति ने प्रकृति और परमेश्वर के विधान के साथ ही खिलवाड़ कर दिया, और खुद वो फिर थपेड़े झेलता है और उसके फेफड़े कमजोर हो गए और ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई। लाखों लोगों की हिंदुस्तान में और करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से करोड़ों लोगों की मौत हो रही है। 1-2 लोगों की मौत पर पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है, एक भी निर्दोष व्यक्ति की मौत आखिर कैसे हो गई। तो ये व्यक्ति ने अपने हाथों ही ये जो आत्मघाती पूरा कृत्य किया है, इससे ये खाली नदियां ही प्रदूषित नहीं हुई हैं, जल ही, हवा, मिट्टी और ये पूरा आकाश ही प्रदूषित नहीं हुआ है,
एयर वाटर सोयल ये तो पोल्यूटेड है ही, और इसके साथ ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन और ऊपर से एडल्टेशन, उन सब की मार पड़ रही है। इसलिए हम रोज एक बार तो आज अब सुबह पावर योगा से शुरू करवा देते हैं। एक तो भुजंग आसन 100 बार, सूर्य नमस्कार 10 बार। वो सूर्य नमस्कार तो मैं अपना कर चुका हूँ, जब सो प्रारंभ होता है तभी से करने लग जाता हूँ मैं। आप 2-3 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट रखते हो, तब तक मेरा 10 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। फिर ये कम से कम 10 बार से शुरू करके अब 100 बार तक सबको इसमें पहुंचाना है। किसमें स्वामी जी? साधारण दंड। हम आज कार्यक्रम की शुरुआत से ही ये हनुमान दंड, आज मंगलवार भी है। एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ हमने तस्वीरें दिखाई दिल्ली में बहने वाली बड़ी खूबसूरत नदी की। ऐसी नदी आपने भी नहीं देखी होगी जहां ऊपर से बहता हुआ पानी नहीं नज़र आता और ऊपर बर्फ जैसी कुछ चीज़ नज़र आती है। हालांकि पता नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जहरीला झाग है, लेकिन देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है। बहरहाल, तो स्वामी जी, एक तरफ प्रदूषण की मार है, देर सवेर सर्दी का असर नज़र आने लगेगा और तब पॉल्यूशन और कोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा, ख़ास तौर से बीपी के मरीजों के लिए। और शायद इन्हीं परेशानियों से बचाने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्रत त्यौहार का हिस्सा बनाए गए। और देखिए, आज से छठ की शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए है, इसका मतलब ही होता है कि बॉडी को डिटॉक्स किया जाए और इससे फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, बॉडी पहले से बेहतर परफॉर्म करने लगती है। साथ में सूरज की रोशनी, तो योग के साथ साथ इसके पीछे का जो साइंस है स्वामी जी, ज़रा वो लोगों को समझाइए। क्या सूर्य को अर्घ देना, फिर डूबते सूरज को अर्घ देना, नहाए खाए, इन सब चीज़ों के पीछे की साइंस क्या? सूर्य अजस्र ऊर्जा का स्रोत है। सारे जगत में जितने भी रंग हैं, कलर्स हैं, वो सूरज से हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो, आप भी सब मकरासन करो, उसको हटाओ वहां से। कहाँ खड़ा हो गया जा करके पगला, फिर कहीं मकरासन, भुजंगासन। चाहे रोज सूर्य का त्राटक किया करो 5 मिनट। सरकारें चाहे मकारी आसन करते रहे, लेकिन हमें मकरासन प्रॉपर करना है। तो ये जो नहाए खाए है स्वामी जी, ये कैसे बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, व्रत जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जरा समझाइए। तो सूर्य का त्राटक, सूर्य का दर्शन, 45 मिनट सूर्य का एक्सपोजर लेना, विटामिन डी, फिर B12, कैल्शियम, आयरन, किसी भी प्रकार के विटामिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। मैंने तो ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 20-25 सालों से, एक तो 50 सालों से कोई आहार नहीं ले रहे थे। ऐसे लोगों का समूह है पूरी दुनिया में, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, जो सूर्य के प्रकाश पर अपना जीवन गुजार रहा है और उसी से ऊर्जा पा रहा है। तो मैं कह रहा था सारे कलर्स, सारी एनर्जी, सारे साग सब्जियों फलों में जितने भी ये ताकत है, ये सब सूरज से आती है। अब बात आती है उपवास की। एक बहुत बड़ा तथ्य है, लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो, ब्लड प्रेशर कभी नहीं होगा, मकर आसन, भुजंगासन, सर्भासन, ये सब करवाएंगे, मरकटासन। और जो उपवास करेगा, भूख को जब भोजन नहीं मिलेगा, तो मोटापा, कोलेस्ट्रोल, वात पित्त कफ रोग, चर्म रोग, जितने भी रोग हैं, उन रोगों का मुख्य कारण क्या है? इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, शरीर में जो अनवांटेड वात पित्त कफ त्रिदोष, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, अलग अलग प्रकार के डिजीज मार्कर्स, लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, अलग अलग प्रकार के जो ब्लड प्रोफाइल हैं, अलग अलग प्रकार के जो इंडिकेशंस शरीर में से उभरते हैं, उन सारे डिजीज मार्कर्स को मार देती है, ये भूख खा जाती है। जब भूख को भोजन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले वो रोगों को खाती है।
इसी को ही कहते अघोरी मांस भक्षण करते। अब देखो, हमने तो कोई अघोर साधना की नहीं है, हम तो योग साधना वाले हैं, लेकिन मांस भक्षण का मतलब है अपने शरीर का एक्सेस फैट और जो विकार है उसको जो अंदर से ख़त्म कर दे, अंदर से मद जो उत्पन्न हो रहा है उस मद को जो मार दे। तो ये मांस मदिरा ये बाहर वाले पीने में लग गए पाखंडी लोग, ये अंदर के विकारों को मद मत्सर का जो ये पूरा मेघा बरस रहा है। अब ये मरकटासन भी बड़ा ज़बरदस्त है, भुजंग आसन और मरकटासन ये तो डेली करना है। तो उपवास से बॉडी डिटॉक्स होती है, सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नेगेटिव एनर्जी, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे इन्फेक्शंस, सारे भी जो भी अनवांटेड अंदर चीज़ें हो रही है वो सारी ठीक हो जाती हैं उपवास से। लंबे लंबे श्वासों के साथ उपवास से हमारा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, वात पित्त कफ त्रिदोष अच्छा हो जाता है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारा चित्त, हमारा मन, चेतना, आत्मा सब पावन हो जाता है। उपवास से सामान्य रूप से बात कहें तो भूख अच्छी लगती है, उपवास करेंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा रहेगा। उपवास इसका एक विधि विधान है और नवरात्र से लेकर के छठ पूजा तक उसके अलग अलग प्रकार के स्वरूप हमने देखे हैं। भी एक बार उपवास किया, फिर एक जो है उपवास करने के बाद फिर सात्विक आहार लिया, पर्वों पर सात्विक आहार माने धनतेरस, धन्वंतरी जयंती से लेकर के महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने जैसे जीवन पद्धति के लिए बोला हुआ है उस जीवन पद्धति को हमने आत्मसात किया। दीपावली पर अंतरदीप जलाए और फिर अन्नकूट पर वो धान्य खाए जिससे कि फिर ऊर्जा मिले और फिर उपवास किया। तो पहले उपवास, फिर भोजन, फिर उपवास, जैन धर्म में इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। इसके ऊपर तो नोबल पुरस्कार तक मिल चुके हैं, नोबल पुरस्कार तो मिलना चाहिए था हमारे जैन तपस्वी साधुओं को, लेकिन जिन्होंने रिसर्च का डेटा इकट्ठा कर लिया उनको वो दे दिया गया। चलो छोड़ो, हम तो जो उपवास की बात कर रहे थे, बाकी तो ये सब उपवास की बात। स्वामी जी, हम तो यही चाहेंगे कि एक नोबल पुरस्कार आपको भी मिलना चाहिए। कर रहे हम तो उपचार की बात कर रहे हैं स्वामी जी, हमारी तो ख्वाहिश है नोबल प्राइज आपको भी मिलना चाहिए। आप तो हम आप अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी, श्रुतिका, पूजा, ये सब हमारे भारत रत्न हैं और ये नोबल काम कर रहे हैं, इसलिए सब नोबल पुरस्कार। स्वामी जी, आप तो भारत के रत्न के साथ साथ आप पूरे विश्व के रत्न हैं। हुआ है आप स्वामी जी, नोबल पुरस्कार का जिक्र हुआ ही है तो एक नोबल पुरस्कार विजेता है जो पूर्व राष्ट्रपति रहे ओबामा, उन्होंने तो इस इलेक्शन में अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है कमला हैरिस को सपोर्ट दिया है। क्योंकि स्वामी जब देश दुनिया की बात कर लेते हैं योगाभ्यास के साथ साथ, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है, 5 नवंबर है और आज ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी वहां पर तो कौन किसके समर्थन में है सब पता ही लगी गया है, लेकिन आप तो अमेरिका इतनी बार गए हैं स्वामी जी, आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट ज्यादा बेहतर है और आपका समर्थन किसको जाता है? राम मैं तो इसमें तटस्थ योग अपना लेता हूँ, वैसे भी अपना देश है नहीं वो, एक योग है तटस्थ योग, साक्षी योग, दृष्टा योग, प्रेक्षा योग, विपश्यना योग, उदासीन योग अपना लेता हूँ। बाकी वहाँ पर एक जिसको कहते हैं ना जी डोनाल्ड ट्रंप, उन्माद युक्त राष्ट्रवाद, उसके तो पैरोकार हैं ट्रंप, और दूसरा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉजिकल कहने पर लगे हैं और थोड़ा अपने आप को जो सोशलिस्ट कह रहे हैं, तो एक अपने आप को सोशलिस्ट कह रहे हैं, एक अपने आप को कैपिटलिस्ट, और जो है वो कहने को तो अपने आप को नेशनलिस्ट कह रहे हैं। तो ऐसे ये विचारधाराओं की जंग पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है, इसलिए अपन उस पचड़े में नहीं पड़ते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, पहले पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, फिर इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का
दौर तो अभी भी चल ही रहा है, आर्थिक साम्राज्यवाद, राजनीतिक साम्राज्यवाद, अब ये वैचारिक और सैद्धांतिक साम्राज्यवाद का एक नया दौर पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो इसमें चाहता हूँ कि सब मानवतावाद को सबसे ज़्यादा न्याय को ऊपर रखें, जस्टिस को ऊपर रखें, और किसी भी तरह के ये जो उन्माद है, फसाद है, इनसे बच जाए तो ही मानवता का भला होगा। तो हमने ये जो अभ्यास अभी तक कराए ना, इससे एक तो बीपी नॉर्मल रहेगा और इससे हमारा पूरा अंदर का शरीर तंत्र अच्छा रहेगा, फिर लोकतंत्र भी अच्छा रहेगा। लोकतंत्र भी गड़बड़ हो रहा है साहब, लोकतंत्र भी गड़बड़ हो रहा है, शरीर तंत्र भी गड़बड़ हो रहा है, और चिकित्सा तंत्र, शिक्षा तंत्र में भी, अर्थतंत्र में, विचार तंत्र में भी खड़यंत्र षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए आज मैंने पहले ही एक बात कही, स्वामी जी हर जगह कमाई तंत्र में जो है, पर पहला अधिकार परमेश्वर का है, जीवन प्रभु ने, जगत प्रभु ने रचाया है, इसलिए उसके विधान का आदर करें। जी मेरे भाई, कमाई तंत्र ने स्वामी जी हर एक तंत्र पर जो है बर्तरी हासिल कर रखी है, हर जगह उसी का कब्जा है, और इसीलिए बहुत सारे तंत्र जो हैं, पहले घर छीनते हैं, फिर एक घर देने के का ख्वाब दिखाते हैं, खाने की थाली छीन ली जाती है, फिर दो रोटियों के भरोसे उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। तो ये सब कुछ चल रहा है दुनिया में। बहरहाल हम योग करते हैं, योग के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में सेहत लाने की कोशिश हमारी है। तो स्वामी जी, योग के साथ ऐसा और क्या किया जाए कि बग़ैर दवा की ज़रूरत ना पड़े, बीपी का ग्राफ डाउन हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे देश में स्ट्रोक के मामले 100% बढ़ गए। 200 साल पहले, जी जी स्वामी जी, ठीक कह रहे हैं आप, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहे हैं उससे। 200 साल पहले दुनिया में एलोपैथी नाम की दवाई नहीं थी, और सैकड़ों हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज प्रकृति के आश्रय से सारी विकृतियों से दूर रहा करते थे। जो निर्भार रहेगा, जो निर्द्वंद्व रहेगा, निर्भय रहेगा, उसको बीपी नहीं होगा। इसलिए आगे झुकने वाला मंडूकासन, योग मुद्रासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग में सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये बीपी के लिए बहुत अच्छा है। आगे और पीछे झुकना कितना अच्छा है ना ये। अब ऐसे भी जो ना कर सके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, तो कोई बात नहीं, सामान्य रूप से थोड़े से भी पीछे झुक गए, ऐसे इतने से भी काम चल जाएगा, ये भी अच्छा है। फिर इसके लिए सिरोधारा भी बड़ी अच्छी है बीपी के लिए। बीपी के लिए सिरोधारा, सिर पर बादाम रोगन से मसाज करना, पादभ्यंग, पैरों के तलवों पर मसाज करना, और ये बैकवर्ड बेंडिंग में तो ये था सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन। स्वामी जी बीपी से थोड़ा सा आगे इसको लेके जाते हैं, तो हम आपकी इजाजत के साथ सिरोधारा कराते हैं, बादाम रोगन। स्वामी जी स्ट्रोक की जब बात हो रही होती है ना, तो उससे जुड़े कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिसको लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। जैसे मुस्कुराते वक्त कई बार लोगों का चेहरे का एक हिस्सा डाउन होने लगता है, कई बार कुछ और तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि स्ट्रोक जैसी कुछ चीज़ बॉडी में हो रही है। तो इसको रीड कैसे किया जाए, कैसे समझा जाए कि आप धीरे धीरे कुछ बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, माइनर स्ट्रोक से फिर धीरे धीरे एक मेजर स्ट्रोक की तरफ आप जा सकते हैं, उन लक्षणों को रीड कैसे किया जाए? तो देखो, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, सिरोधारा, बादाम रोगन नाक में डालना, मेधावटी, मेधा इष्टी, मेमोरी ग्रीट, सुबह उठ करके एक चम्मच गाय का घी खाना, ये ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होने देगा, और पूरे शरीर को अंदर से, ब्रेन सहित पूरे शरीर को, 1 किलो 400 ग्राम का हमारा दिमाग और पूरा शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें सुबह उठ करके, सामान्य रूप से तो लक्षणों से ही पता लग जाता है, अचानक कुल्ला किया और एक तरफ से पानी निकल गया, रात को सोते सोते में कई बार तो पेट की कृमि की वजह से पानी निकलता है, मुँह से पानी निकल रहा है, और आजकल तो ये सुविधा हो ही गई है, सुबह उठ करके एक बार
चेहरा देख लेना चाहिए शीशे में अपना, मुखरा देख तो दर्पण में कितने दाग लगे हैं। तुम जीवन को बेदाग निष्कलंक जीना है, वो तो एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य है। तो जब आपकी आँख थोड़ी छोटी बड़ी हो जाए, थोड़ा चेहरा एक तरफ से थोड़ा सा लटक जाए, तो ये लक्षण है हल्के माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक का। जब ज़्यादा स्ट्रोक आता है तो फिर तो पूरा हाथ पैर एक तरफ, लेफ्ट साइड में कोई क्लोट आ गया तो राइट साइड का, राइट साइड में क्लोट आ गया तो लेफ्ट साइड का हिस्सा आपका बॉडी का फुल पैरालिसिस हो जाता है। उस समय तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, लेकिन जो माइल्ड पैरालिसिस होता है, माइल्ड ब्रेन स्ट्रोक होता है, माइल्ड हार्ट अटैक होता है। माइल्ड हार्ट अटैक में थोड़ा सा सीने में दर्द जकड़ सी होती है, थोड़ा एक बार ऐसा पसीना सा आता है और ऐसा दम सा घुटने लगता है, घबराहट सी होती है, कई बार चक्कर से आने लगते हैं। तो माइल्ड हार्ट स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक, ये बड़े ज़रूरी है, इनको वहीं पर कंट्रोल करना। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, फिर दोबारा से नहीं तो आएगा ये। और कई बार तो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी बार तीन तीन बार हार्ट अटैक आ जाते हैं और व्यक्ति एक दो घंटे के अंदर ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी था, तो हमने थोड़े थोड़े संकेत तो किए। और जब कभी ऐसा हो जाए तो सबसे अच्छा उपाय तुरंत अनुलोम विलोम, ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, ये जो कहीं क्लोट आता है ना, वो एकदम से निकल जाता है। और उस समय पूरी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। तो पूरा शरीर जो उस स्ट्रोक को निकालने के लिए, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर, शरीर सबसे बड़ा अपना उपचार करता है, आत्म उपचारक हैं हम, आत्म साधक हैं, आत्मनिर्भरता का तंत्र। ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज ए फाइटर, इज ए वॉरियर, वो विजेता है अपने आप में। तो आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। तो स्वामी जी, जिनको बीपी है, जो हाई बीपी के शिकार है, गर्म पानी पीजिए, फिर ठंडा पानी मत पीना, वो क्लोट निकल जाएगा। स्वामी जी, जो फिर हाई बीपी के शिकार है उनके लिए खतरा ज्यादा है, और ऊपर से अगर मौसम सर्द हो रहा है, पोल्यूशन भी है, तो उनको फिर और एहतियात बरतने की जरूरत है। तो दो तीन बातें ऐसी क्या है जिसका खास ख्याल रखा जाए ताकि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज जैसी नौबत कभी किसी को ना आए? तीन बड़े कारण हैं। एक तो स्ट्रेस फ्री रहे, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक का, ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा और छोटा सा भी क्लोट जो है वो आपको ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक दे सकता है, स्ट्रेस फ्री रहे। दूसरा, बहुत ज़्यादा तला भुना गरिष्ठ, जैसे जितनी भी मिठाइयाँ हैं, जितनी भी नमकीन हैं, इनमें लगभग 25-30% तक फैट कंटेंट होता है। तो है बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट वाली चीज़ों से बचें, अनहेल्दी चीज़ों से, अनहेल्दी फूड से बचें। और जो है बीपी का, बीपी फिर जो है ब्रेन स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का बड़ा कारण बनता ही है। बीपी के लिए तो तीन चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, लौकी या पेठे का जूस, और मैंने कहा उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा सेब, थोड़ा नींबू या आंवला डाल करके। और बीपी के लिए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड भी हमने नेचुरल रेमेडी, रेडीमेड ही रेमेडी दे रखी है, मेडिसिन का हो जो भी। सबसे अच्छी बात है अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, इसी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से, अच्छा स्वामी जी, सांसों के साथ ध्यान दिया, जिसको मैं कह रहा था ना, साक्षी योग, दृष्टा योग, विपश्यना योग, इसी से भी एकदम नॉर्मल हो जाता है बीपी, सांसों के साथ ध्यान करने से। स्वामी जी, आप तो देखिए पूरे देश में, दुनिया भर में घूमते हैं, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ घर घर में बड़े बहादुर लोग हैं, और रोजाना ठंडे पानी से नहाना भी एक बड़ी बहादुरी का काम है। और जैसे ही नहाने के लिए गए और सीधे पानी उठा के ठंडा सिर पर डाल लिया, तो लोग इससे बचने के लिए भी कहते हैं कि सीधे पानी ठंडा सिर पे नहीं डालना चाहिए, क्या ये भी खतरनाक है? हाँ, उससे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, इसलिए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। फिल्मी गाने ऐसे ही नहीं गाने गा लो, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा। अरे गुजराती लोग तो
मई जून में भी गुनगुने पानी से नहाते हैं, वो तो गर्म पानी से नहाते हैं। ये हाथ उठा रहे एक गुजरात नो मने ख्याल छे, हूँ तो गुजरात में जाऊँ छे ना, तो मने बधु खबर छे कि आउ करे छे, तो जो थोड़ा गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। मैंने कहा ना, यह आयरन मैन की प्रैक्टिस करते हैं, एकदम उबलता हुआ, एकदम ठंडा, एकदम दौड़ लगाना, एकदम पूरा ये अलग अलग प्रकार से अपने आप को फिर जो तपाते हैं वो अलग, 100% जो हेल्दी लोग हैं फिर वो उनके लिए अलग अलग प्रकार के हार्ड टास्क हैं, तो वो हार्ड टास्क के चक्कर में जो सारी सामान्य लोग उनको ठंडे पानी से नहाने में नहीं है, एक स्पेसिफिक जॉब है या कहें कि और गुनगुने पानी से नहाने वाले कायर नहीं है स्वामी जी, स्टीम ले ले। हाँ बिल्कुल ठीक है, कायर में रहे, कमजोर नहीं है, बुजदिल तो कतई नहीं है। देखो ये स्टीम बड़ी जबरदस्त है, ये अंदर के पूरे शरीर में कहीं पर भी कहीं क्लोट है ना, उसको सबको क्लीन आउट कर देता है फिर यूरिन के माध्यम से। अच्छा स्वामी जी, टट्टी पेशाब के हाई बीपी के मरीजों की बात कर लेते हैं, यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, प्रश्वास के माध्यम से सारे विकार निकल जाएंगे ये स्टीम बाद से, और फिर सिरोधारा तो अप्रतिम। जी मेरी बहन स्वामी जी, आपने बहुत बार बताया है कि बहुत से ऐसे योगाभ्यास हैं जो हाई बीपी वालों को नहीं करने चाहिए, तो वो भी बताइए, इसके अलावा किस समय और कहां पर ये योगाभ्यास करें ये भी बताइए, क्योंकि एक तरफ तो प्रदूषण है, दूसरी तरफ पीजीआई चंडीगढ़ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडोर हवा ज्यादा पोल्यूटेड है, अब ऐसे में इसके एक्सपोजर से भी बीपी बढ़ेगा, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट की दिक्कतें आएंगी, उसका भी रिस्क बढ़ेगा। स्वामी जी तो आप करें तो क्या करें? देखो ये सब ना टुकड़ों टुकड़ों में बातें करते हैं, दरअसल एक ये भी एक पूरा झमेला है, शीर्षासन सर्वांगासन हाई बीपी वालों को नहीं करना, लेकिन जब हाई बीपी ठीक हो जाए आपका, जब आप देख रहे हैं कि नॉर्मल आ गया है लगातार योगाभ्यास करने से, तो बाद में आप शीर्षासन सर्वांगासन कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मनाही करते हैं हाइपरटेंशन में शीर्षासन और सर्वांगासन की, और बहुत जोर से वेगपूर्वक ऐसे प्राणायाम ना ऐसे, तेजी से भस्त्रिका, बहुत वेगपूर्वक कपालभाति, ऐसे घमासान तरह नहीं करना, यह अनुलोम है। तो ये एरी एयर प्योरीफाई बेचने के लिए एक ये नया स्टैंट है कि घर की हवा ज़्यादा पोल्यूटेड है, फिर अच्छा फिर देखो दूसरा स्टंट, सुबह वो पोल्यूशन बहुत है घूमने मत जाओ, बाहर की हवा को पोल्यूशन बता रहे हैं कि वहाँ घूमने मत जाओ, घर की हवा को और ज़्यादा पोल्यूटेड बता रहे हैं, वो भी पोल्यूटेड होगी। भाई अपना विवेक से काम ले लो, ये जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट होती है ना, कई बार इनमें ये एकांगी होती हैं, एक पक्ष को बहुत उभार देते हैं और बाकी चीज़ों को छुपा लेते हैं, तो भाई घर में रहो बाहर रहो, आप यदि मजबूत है, कमजोर आदमी को सारी दुनिया सताएगी, सर्दी सताएगी, गर्मी सताएगी, पोल्यूशन सताएगा, चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक होगा, घात लगाए बैठे हैं रोग और विकार रूपी शत्रु पोल्यूशन आदि, और जो मजबूत होगा, कायर सके न झेल फकीरी अलवेला रो खेल फकीरी, अलवेला रो खेल फकीरी, अलवेला रो फेल, तो जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, तो अपने आप को बलम उपास्व अस्मा भवतो न सुनो, अपने आप को मजबूत बना लो, और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो शहर शहर को हरिद्वार बना दो, जो है जहां पर पोल्यूशन ना हो, साफ। अच्छा ये भी एक तरीका है तो थोड़ा अपना कपड़ा ये मुंह पे लगा लो, तो और इसमें अपने दौड़ लगाओ, और अपने घर भी जो है साफ सुथरा रखो, अपने घर के अंदर घी का दिया जलाओ, और अपने अंतरमन में योग का दीप जलाओ, तूने प्रभु के द्वार पर कितने दीप जलाए,
उतना ही अंधियारा तेरे अंतर का छट जाए घट जाए। तूने प्रभु के द्वार पे कितने दीप जलाए। तो हम योग का दीप रोज जलाते रहते हैं। बहुत उम्दा स्वामी जी, बहुत उम्दा। अच्छा स्वामी जी देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक कम खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग सेंधा नमक खाना सेफ बताते हैं। आपने भी बार बार कहा, लेकिन उसको भी एक्सेस खाने लगते हैं। एक बार स्वामी जी जरा बताइए कि नमक की बॉडी को रोजाना कितनी जरूरत है, और अगर सेंधा नमक भी कोई खा रहा है तो क्या वो थोड़ा ज्यादा खाया जा सकता है, छिड़क छिड़क के एक्स्ट्रा थोड़ा? सेंधा नमक जो टीस्पून है ना, छोटे वाला चम्मच है वो आधा। फिर देखो ये हम तो भाई चुटकी भर खाते हैं, ये छुट्टी का नमक नहीं खाया जाता, चुटकी भर नमक खाया जाता है, एक चुटकी बस। ये तो नमक बहुत ज्यादा अति सर्वत्र वजह सभी चीजों में, लेकिन ज्यादा नमक से तो हड्डियां कमजोर होती हैं, ज्यादा नमक से बीपी बढ़ता है, ज्यादा नमक से कैंसर होता है। हैवी सोल्ट इनटेक इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर, और उसमें जो व्हाइट सोल्ट होता है ना वो तो बड़ा ही खतरनाक है, तो रॉक सोल्ट है ये, तो एक तरह से मिनरल है एक तरह का। तो नमक कम खाएं, सेंधा नमक भी कम खाएं। मैंने तो वर्षों तक नमक नहीं खाया था, तो ये जितनी हरी सब्जी है ना, पालक है, बथुआ है, मेथी है, चौलाई है, ये बथुआ, ये सब, इनके अंदर बहुत अच्छा नेचुरल सॉल्ट होता है। तो जितना नेचर के साथ जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है। तो ज़्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए, और कुछ तो हथेली पर नमक रख करके चाटते रहते हैं कुछ तो नमक की डली रख लेते, बीच बीच में चाटते ही रहते हैं। तो लो बीपी वाले बहुत बेहुदे तरीके से, बेरहमी से नमक खाते हैं, तो पानी चीनी घोलेंगे वो भी जहर, इधर से नमक सफ़ेद वाला वो भी जहर, और उसको फिर पी पी करके और अपना बुरा हाल कर लेते हैं। तो अश्वगंधा रिष्ट पी लें, अश्वशिला ले लें, पानी के अंदर थोड़ा अश्वगंधा अथवा ये शिलाजीत का एक ड्रॉप मिला करके पी लें, बीपी एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो नमक वाली बात बता दी, तो ज़्यादा नमक ना खाएं, नमक खाएंगे उतना नमक का हक भी अदा करना पड़ेगा, उसका नमक खा रखा है। और ज़्यादा नमक खाने वाले भी नमक आराम होते हैं, खाली दूसरों के कृता करी नमक आराम नहीं होते। अच्छा स्वामी जी, बीमारी और काम चोर बड़े शब्द बड़े खतरनाक है। बीमारी ऐसी है जो कोई भेदभाव नहीं करती है, और प्रदूषण की अगर बात की जाए तो उसमें भी कुछ इसी तरह की चीजें नजर आती हैं। वैसे तो हम बात हाई बीपी की कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण की मार तो लो बीपी वाले भी झेल रहे हैं। अचानक चक्कर आ जाना, घबराहट होना, लो बीपी के सिम्टम महसूस होना, तो ऐसे लोग क्या उपाय करें कि पॉल्यूशन के प्रहार से खुद को बचा सके? और स्वामी जी, लो बीपी वाले बहुत चलो कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, उपचार आप हाई बीपी वालों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाई बीपी की ज्यादा से ज्यादा बात हो जाती है, मुक्तावटी बीपी ग्रिट लोग की और पेठे का जूस, पता नहीं क्या क्या सारे उपाय हम उसी पर केंद्रित कर देते हैं। तो लो बीपी के लिए अश्वगंधा शतावर एक एक ग्राम जो सुबह शाम खाएंगे, जो चंद्रप्रभावटी अथवा अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग करेंगे, ये हमने अश्वगंधा एक ही और अश्व जो है शिलाजीत एक साथ मिला दिया इसे, उनको फिर इस बखेड़े का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अश्वगंधारिष्ट अश्वशिला दूध में हल्दी और शिलाजीत का सेवन, अश्वगंधा और शतावर का पाउडर का सेवन, और जो रोज कुछ लोग कहते बीपी लो है तो तेज एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अरे तेज मतलब आप ऐसे 50 की स्पीड से नहीं दौड़ोगे ना, अच्छे से दौड़ो, 15-20 की स्पीड से क्या दिक्कत है, 15-20 किलोमीटर तक की स्पीड से दौड़ सकते हैं, पहले 5-10 की स्पीड से शुरू करना, 5-10 किलोमीटर की से। तो जो है दौड़ना मध्यम गति से दौड़ना, मध्यम गति से प्राणायाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अपना खाना न्यूट्रिशियस हो ये भी ज़रूरी है, और खाने के अंदर थोड़े से गरम मसाले, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल में करनी चाहिए, और सरसों के तेल में खाना बनाना चाहिए, लो बीपी वालों को अच्छा रहता है उसके लिए। लो शुगर वालों को वो क्या करें बेचारे, तो लोग चीनी खाने, टॉफी खाने लगते हैं, और तरह से जो है ग्लूकोज पाउडर आदि रखने लगते हैं, कोई
हनी घोल घोल करके पीते रहते नहीं। जिनको लो शुगर है उनको मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि करके अपने पेनक्रियाज बैलेंस करना चाहिए। पेनक्रियाज कोई भी थायराइड हो, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव जो होता है, ये दोनों ही खतरनाक है। तो लो शुगर वालों को फ्रूट्स खाने चाहिए, डेट्स खाने चाहिए, कभी भी उनको ये चीनी आदि का। ऐसे ही जो अंडर वेट है उनके लिए तो डेट बढ़ाए वेट, डेट, केला और जो है आजकल तो छुआरा भी, वो बड़ा गर्म होता है। और वैसे तो गुजराती लोग तो आम का जो रस है उसको रख ही लेते हैं, आम भी वेट खूब बढ़ाता है, अश्वगंधा शतावर भी वेट अच्छा बढ़ाता है। और वैसे इसको रेडीमेड चाहिए तो हमने तो वेट गेन ही बना रखा है। वैसे तो ये बच्चों का वेट कम हो तो बालप्रास, बड़ों का हो तो ये च्यवनप्रास भी इसके लिए बड़ा अच्छा है जो इधर रखा है ना, ये बड़ा ज़ोरदार मामला है। तो स्वामी जी अभी आपने तो पूछा था लो बीपी के लिए, मैंने लो शुगर के लिए भी बता दिया और वेट भी जिनका लो है कम है उनके लिए वेट गेन तक सब कुछ बता दिया हमने। और बच्चों पर भी आप आए इसलिए जरा ये समझाए स्वामी जी, ये बच्चों में कैसे हाइपरटेंशन की समस्या पैदा हो रही है और बल्कि बढ़ रही है, और इसकी एक वजह तो हमने देखा है कि बच्चों में ओवरवेट होना के का मामला भी है। एक तो मोटापा जो उनमें बढ़ रहा है और उसमें तीखा चटपटा, ये बहुत ज्यादा एसिडिक फूड बहुत खा रहे बच्चे। जिस बच्चे को देखो भाई चिप्स खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, ये बच्चों को इन चीज़ों से बचाइए। हमने तो शायद कितने 40-50 साल के हो गए होंगे तब जा करके मुंह में कोई चिप्स रखा होगा, पहले ये जीभ का चटोरपना नहीं था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ये कुरकुरे पुरपुरे चुरपुरे पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। तो ये बच्चों को जंक फूड से बचाइए। जितना बच्चा होली में चिप्स बना करते थे, जंक फूड खाएंगे उतना ही बच्चों की जिंदगी में, घर के बाहर चिप्स सूखा करते थे पैदा होगा। तो इसलिए बच्चों को इनसे बचाइए। और जवान आजकल ये प्रोटीन पाउडर बहुत खा रहे हैं, ये भी ये इससे भी बीपी बढ़ रहा है। केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक जो चीजें खा रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है जिंदगी के। ठीक है स्वामी जी, हाई बीपी में स्वामी जी लोगों को गुस्सा भी ज्यादा आता है, और ये गुस्सा जो है किडनी समेत दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो जरा प्राणायाम के जरिए लोगों के गुस्से को जरा सा कम करवा दिए, लोग थोड़ा खुश रह सकें, मुस्कुरा सकें। देखो एक तो जिसको देखो उसका ही सिर चढ़ा हुआ है, दिमाग चढ़ा हुआ है, बोले मेरा दिमाग बहुत खराब है, माथा बहुत गर्म है, खोपड़ा गर्म है, ये ठीक नहीं। तो बात बात में बिना ही बात के क्रोध, और कई बार कहते हैं मुझे गलत बात पर गुस्सा आता है, सही बात पर किसी को गुस्सा आता है? तो आदमी को जो है क्रोध के साथ नहीं, बोध के साथ जीना चाहिए, थोड़ा निर्भर रहना चाहिए। कभी कभी ना ऐसे इसको सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, कभी कभी ऊपर से नीचे तक देखो, ऐसे शरीर को देखना चाहिए दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से ऐसे। और जैसे ही स्वयं को ऐसे दृष्टा भाव से देखते हैं ना, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, अविद्या से, वितरागत द्वेष अभिलेष से, संसार के तमाम झंझावातों से, संघर्षों से, चुनौतियों से, संकटों से, सब उथल पुथल से थोड़ी देर अपने आप को ऐसे तटस्थ रखना सीखें। और जब ऐसे तटस्थ रखेंगे ना और तटस्थता के साथ जब आप अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करेंगे, और एक बात और कहता हूँ, गुस्सा निकालना है तो क्या करें, गुस्सा निकालना है तो तकिया ना पीटे। कुछ कहते तकिया पीटो, कुछ कहते बिस्तर पीटो, कुछ कहते दीवारों को पीटो, कुछ कहते खुद को ही पीटो, खुद को ही पीटते, माथा पीटते ये पीटा पीटी बात करो। स्वामी जी कई बार इसके शिकार तो बेचारे बच्चे हो जाते हैं स्वामी जी। दौड़ लगा, अग्रेसन निकालना है खेलो, कुश्ती करो। अग्रेसन निकालना है तो जैसे कुछ टीवी चैनलों में अग्रेसन निकालने के लिए एंगर के साथ एंकरिंग करवाते हैं ये सब आला बड़ा खतरनाक। तो अपना एंगर कुश्ती में निकाल लो, खेलने में निकाल लो, दौड़ने में निकाल लो, खाने में निकालते हो कुछ एंगर, जब स्ट्रेस होता है ना जो तो खा जाते,
चबा चबा के खाओ, गपा गप मत खाओ। चलिए कुल मिलाकर गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा जो है एक दूसरे को किसी और का नहीं बल्कि आपका ही नुकसान कर रहा है, यही स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी अब जरा जो आपकी पीठ पर हाँ। एक अदृश्य नया वाला तरकश आपको खा जाता है, आत्मघाती है। जो अदृश्य था तरकश नया सा आपने बनवा के पीठ पर लटका रखा है, उसमें से एक बाण निकालिए। तैयार है। हाँ, और अब वक्त रामदेव के राम बाण का है। तो स्वामी जी आज क्या खास है? तो देखो, ए कैमरा इधर लिया, जब जहां चाहिए वहां कैमरा रखता है, नहीं इधर उधर घूमता रहता है। देखो ये हमने कुल्हड़ी के अंदर फिटकरी डाल दी, ये फिटकरी डाल दी, तो देखो ये ऐसे आप देख रहे हो पानी है क्या? ये पानी नहीं है, ये क्या है? ये फिटकरी का पानी बन गया। और अब इसको हम बाहर निकाल देंगे, अब इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे, अब इसका फिटकरी का ये फूला बन जाएगा। तो ये फिटकरी का फूला और सेंधा नमक, हरड़ बहेड़ा आंवला और इसी में बबूल की छाल, हो सके तो नीम की छाल, लौंग और हल्दी, ये सब डाल करके और ऐसे कूट दिया, ये कूट करके तैयार कर दिया। ये हमने दिव्य दंत मंजन, अपने त्रिफला तो सभी को मिलता है दिव्य दंत मंजन, और ये तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें अब इसको जब ऐसे करते भी है ना, ये देखो ऐसे, तो मुंह में ऐसे लगता है जैसे कोई मसाला खा रहे हो, ऐसे ऐसे बीच वाली उंगली से करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, और ऐसे जब कर लेते हैं ना, लोगों के दांत हिले पड़े, मसोड़े ऐसे लटक जाते हैं, ब्रश करते हैं तो मसोड़े उनके साथ ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो जिनके मसोड़े हिल रहे हैं, ऊपर नीचे होते हैं, दांत हिल रहे हैं और दांत बहुत कमजोर हो गए हैं, कैविटीज बन जाती हैं, ऐसे देखो हम ये। स्वामी जी शुक्रिया, आपने हमारे चक्कर में आज दो बार मंजन कर लिया। करते हैं ना 5 मिनट। और मेरे दांत इतने मजबूत हैं, 100 साल तक आपको भी 32 पूरी मिलेगी रामदेव की। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, अब योग पंचायत का। फिर कुल्ला नहीं करना, इसको मुंह में रखना। स्वामी जी शहर शहर योग पंचायत लगी और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। इशिता ने राजस्थान से ये वीडियो भेजा है। फतेहाबाद में मदन ने योग पंचायत लगाई, स्कूल के बच्चे हैं। मनीषा हैं वडोदरा से, अलका हैं दिल्ली की, पुणे से समर्थ ने भेजा वीडियो, सिरोही से खुशबू ने वीडियो भेजा, महाराष्ट्र से संस्कृति ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया। और यहाँ देखिए स्वामी जी, फरीदाबाद में मीना ने योग पंचायत लगाई, बहुत सारे बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं। और अब आपको बेस्ट वीडियो स्वामी जी दिखाते हैं। क्या बात। और इस बार बेस्ट वीडियो स्वामी जी दिल्ली से आया है, दीपा कुमारी। ये स्वामी जी ये तस्वीरें देखिए आप, 6 बच्चे हैं और दीपा ने ये योग पंचायत लगाई, जो सबसे बड़ी बच्ची मुझे लगता है वही दीपा होंगी इसमें। और देखिए घुटनों तक नाक बाकायदा जाकर लग रही है। कल का योग चैलेंज हम अभी दे रहे हैं, काफी देर से हम पैर के अंगूठे पर बैठे हुए। अच्छा अच्छा, तो ये देखो ये पादा अंगुष्ठासन, पैर के अंगूठे के ऊपर बैठ गए और एडी पर एनस वाला भाग टिका लिया और ऐसे बैठे हुए, दूसरी तरफ से भी ऐसी, तो ऐसे पादा अंगुष्ठासन ऐसे बैठ गए। जरा टफ लग रहा है स्वामी जी। हाथों को ऐसे उठाया और संतुलन। स्वामी जी कितनी देर रुकना है, होल्ड कितनी देर करना है? तो ऐसे 10 सेकंड का नियम है, 5 सेकंड में वीडियो पास है, 5 सेकंड में पास तक विजेता बन जाएंगे। पासिंग मार्क्स 5 सेकंड। तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है स्वामी जी, तो 5 सेकंड तक ये अभ्यास करिए और होल्ड करके। इससे संतुलन बनता है, एकाग्रता बढ़ती है और ब्रह्मचर्य में अप्रतिम लाभ होता है।
तो योग पंचायत लगाइए, 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कॉम्पीट कर पाएंगे इस योग पंचायत के कॉन्टेस्ट में। स्वामी जी, आपसे इजाजत लेने का वक्त है। शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।